हिट फिल्मों का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक हिट फिल्मों का तांता लगा हुआ है। एवेंजर्स एंडगेम और भारत ने सिनेमा घरों को खचाखच भरने पे मजबूर कर दिया था और लोगों को फिल्म देखने का इतना क्रेज होता है कि वो फिल्मों के लिए एडवांस बुकिंग कर लेते हैं और पहला शो देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। ऐसे में ही शुक्रवार को रिलीज हुई शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म कबीर सिंह, जिसका ट्रेलर और सॉन्ग पहले ही लोगों के मन को भा चुका था। इंतजार था तो बस फिल्म के रिलीज होने का, जो कि कल आखिरकार खत्म हुआ। आपको बता दें कि शाहिद कपूर की इस फिल्म को जनता से ढेर सारा प्यार मिल रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की पहले दिन की कमाई भी बढ़िया हुई है। कबीर सिंह ने अपने पहले दिन लगभग 20 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके साथ ये फिल्म शाहिद कपूर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। कबीर सिंह ने शाहिद की फिल्म पद्मावत की कमाई 19 करोड़ और इस साल आई टोटल धमाल की कमाई लगभग 16 करोड़ को पीछे छोड़ दिया है। ये साल 2019 की सबसे बड़ी नॉन हॉलीडे ओपनर भी बन गई है। इससे पहले उरी, टोटल धमाल, लुका छुपी, दे दे प्यार दे जैसी फिल्में नॉन हॉलीडे पर रिलीज की गई थी। इस फिल्म को भारत में 3123 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। आपको बता दें कि ये फिल्म साल 2019 की बेस्ट एडवांस बुकिंग की फिल्मों के मामले में तीसरे नंबर पर है। कियारा के करियर के लिए भी ये फिल्म बेहद खास है। जी हाँ, कियारा आडवाणी के करियर के लिए ये फिल्म बेहद ही लकी साबित हुई है। बतौर सोलो लीड ये फिल्म कियारा के करियर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है। बता दें कि इससे पहले MS धोनी ने पहले दिन लगभग 21 करोड़ की कमाई की थी। आपको बता दें कि फिल्म अर्जुन रेड्डी साल 2017 में रिलीज हुई थी और इसका हिंदी रीमेक होने की वजह से फैंस को कबीर सिंह का बेसब्री से इंतजार था। जहां फैंस बड़ी तादाद में कबीर सिंह को देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं, वहीं फिल्म आलोचकों ने इस फिल्म को खास पसंद नहीं किया है। जहां कुछ ने इसे अर्जुन रेड्डी की कॉपी होने के लिए खराब बताया तो वहीं कुछ ने इसे नापसंद किया है। फिल्मों की बुराइयां और अच्छाइयों का सिलसिला तो चलता ही रहता है, लेकिन फिलहाल तो फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। कबीर सिंह को डायरेक्टर संदीप वांगा ने बनाया है, जिन्होंने तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी का भी निर्देशन किया था। ये फिल्म कबीर राजवीर सिंह नाम के डॉक्टर की कहानी है, जो अपनी प्रेमिका से दूर होने के बाद शराबी बन जाता है और अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की राह पर चल पड़ता है। फिलहाल फिल्म तो अभी रिलीज हो ही गई है और जिस तरह से लोगों में इसे देखने की एक्साइटमेंट है, उससे तो फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है और आगे भी करती नजर आएगी। उम्मीद तो यही की जा रही है।